तक पहुंचाने के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है वह सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनी रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहा है और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, उन्हें सम्मान देती है। आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 देशों की यात्रा को देखा होगा, जब 19 मई से 24 मई के बीच 6 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री जी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा कि G7 से जुड़े हुए दुनिया के सभी बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। उस दौरान आपने देखा होगा कोई भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने समकक्ष का सम्मान सामान्य प्रोटोकॉल और अभिवादन से करता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ करके देर रात्रि में स्वागत के लिए स्वयं उपस्थित थे और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात किए तो पैर छू करके उनका अभिवादन करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सब के नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ ले। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नगरीय जीवन के भाग्यदाता के रूप में जनता जनार्दन ने दायित्व आपको